नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बहुत बड़ी खुशखबरी है एकलव्य ईएमआरएस के लिए। देखा जाए तो लगातार जो अभी हम लोगों ने बोला था कि ईएमआरएस में 38,000 वैकेंसियां आनी हैं, जिसका फेज वन आपका जेएससी और लैब अटेंडेंट का आया था और पीजीटी उसमें आया था। दूसरा फेज आपका टीचिंग एग्जाम यानी कि टीजीटी से आ गया है। टीजीटी के बहुत अच्छे पद हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें बाकी जो कैटेगरी वाइज है ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है सैलरी कहाँ है और कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी, कौन फॉर्म भर सकता है एलिजिबिलिटी से संबंधित। तो एक एक चीज मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो ईएमआरएस के टीजीटी या किसी भी टीचिंग सेगमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा प्लस नो डाउट बहुत बेहतरीन एक संस्था बनके आगे उभरी है और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी करवा रही है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी हम कोर्स चलाएंगे उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत ही मिनिमम फीस में, बहुत बढ़िया फीस। आपने देख लिया होगा टीजीटी वगैरह का 44,900 से लेकर लेवल 7 का पे मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया पे मैट्रिक्स होता है। और अदर टीजीटी मिसलिनियस, क्योंकि इन्होंने ग्रुप ए ग्रुप बी में बांट दिया है, जो ट्रेंड ग्रेजुएट जो कोर लैंग्वेज के हैं जैसे इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस और उसके बाद साइंस और थर्ड लैंग्वेज, ये हिसाब से दिए हैं। लाइब्रेरियन को भी इन्होंने कोर में रखा है, बाकी मिसलिनियस वाले में म्यूजिक हो गए, आर्ट हो गए, फिजिकल के टीचर हो गए, मेल फीमेल का दोनों अलग करके इन्हें लेवल 6 में रखा है। हॉस्टल वार्डन को भी कम नहीं रखा है, लेवल 5 में रखा है, बहुत बेहतरीन नौकरी है हॉस्टल वार्डन के भी। और आपको एक ही तैयारी में सब करना है, आप लैब अटेंडेंट से ले लोगे, जेएससी ले लोगे, टीजीटी ले लोगे, पीजीटी ले लोगे या फिर आप हॉस्टल वार्डन की ले लोगे, सब में आपको लगभग 60% कॉमन पढ़ना है, 40% केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट का पढ़ना है, वो भी टीजीटी पीजीटी वालों का, तो वो भी कॉमन हो जाता है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप यहां पे कर सकते हो। अब मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, टीजीटी जो एग्जाम होगा 120 नंबर का होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा वो 30 नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर का होगा। इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों आपसे पूछा जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो जिसमें 10 नंबर जनरल अवेयरनेस के, 10 नंबर रीजनिंग के, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 10 नंबर के, उसके बाद डोमेन नॉलेज में आपका 65 नंबर। तो अगर कोर की बात किया जाए कि जो आपके सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है वो आपका 65 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी इसमें देखोगे तो जो 10 नंबर है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है, वो भी पेडगॉगी बेस पे। उसके बाद जो 5 नंबर है वो आपका किस पे है, वो आपका एनईपी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये केवल एक चीज समझना, ये पीईटी के लिए केवल है, तो बाकी टीजीटी के लिए आपका यहीं पे रहेगा 5 नंबर, मतलब कि यहां पे डी वाला नहीं पूछा जाएगा, केवल सी एनईपी से 5 नंबर पूछा जाएगा। और पीईटी वाले में आपका हो सकता है 2-3 नंबर, 2 नंबर एनईपी से, 3 नंबर इससे, 2 नंबर इससे, 3 नंबर इससे, ऐसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा और कोई आपका इंडिविजुअली पार्ट पे लिमिट नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका पार्ट 6 है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, मतलब 120 नंबर आपका ये हो गया। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में इन्होंने बोला है कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज कुछ भी इनके जो है उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज लो, इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होगा, एक रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और में दिया हुआ है। 10 मार्क्स इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मतलब हिंदी से भी 10, इंग्लिश से भी 10 और एक आप रीजनल कोई भी चूज कर सकते हो उससे 10, टोटल 30। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, केवल आपका क्या होगा 40% मार्क्स ले आओगे तो पास हो जाओगे। पार्ट 1 से 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग। अगर आप इस वाले में फेल हो जाओगे, मतलब 40% नंबर नहीं लाओगे, तो इसका मार्क्स आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। और अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो मेरिट में नहीं जुड़ेगा, मेरिट आपका 120 नंबर पे ही जुड़ेगा। तो बहुत बढ़िया पैटर्न इन्होंने बनाया है, बहुत लोड भी नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट भी तैयार है, और वो बच्चे जो फ्रेशर हैं या ऐसा बोलो कि जिनका सब में लगभग लगभग बराबर है उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। तो मेरा मानना है कि आप सभी को इसको एकदम नंबर एक पे आके इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एकलव्य जो है ये एसटी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इनके जो विद्यालय हैं वो ऐसी जगह पे हैं जो थोड़ा सा रूरल क्षेत्र में है, जैसे आपके नवोदय, तो नवोदय भी कौन सा आपका शहर में होता है, नवोदय के लिए तो आप जाते हो ना टीजीटी बनने के लिए, पीजीटी बनने के लिए, वार्डन बनने के लिए। तो फिर ऐसे ही आपका एकलव्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, परमानेंट जॉब है, ये नहीं है कि प्राइवेट है, और ऐसा भी नहीं है कि यहां पे आपको कोई दिक्कत होने वाली है, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात आपका
टीजीटी के लिए पार्ट एक से चार कॉमन है, किसी भी टीजीटी, आप चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या मिसलिनियस में आर्ट या फिर फिजिकल वाला कोई भी दोगे, एक से चार तो सब में कॉमन है। एक से चार कॉमन मतलब कि 40 नंबर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जो मेन खेल हो रहा है ये 80 नंबर में खेल हो रहा है, जिसमें 65 तो आपका सब्जेक्ट है, इसमें भी आपका ये 15 नंबर कॉमन ही रहने वाला है, इस बात को भी आप समझिएगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि ये सबके लिए क्या है, कॉमन है। पार्ट 5 विल बी द सब्जेक्ट स्पेसिफिक और पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपकी रीजनल भाषा है, आप इसमें बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, मतलब अगर आप सपोज करो हिंदी भाषी क्षेत्र से हो तो आपको हिंदी तो देना ही, इंग्लिश भी देना, आप हिंदी फिर चूज कर लो, तो 2 हिंदी, 20 प्रश्न हिंदी का हो गया और 10 केवल इंग्लिश का हुआ। आप अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से हो तो आप 2 इंग्लिश चूज कर लो, 1 हिंदी चूज कर लो, तो ज्यादा बेटर तो यह है, हिंदी इंग्लिश तो आपको देना है, इसमें हिंदी भाषी क्षेत्र वाले बच्चों को ज्यादा फायदा मिल जाएगा, इंग्लिश वाले को जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको भी फायदा मिल जाएगा। बाकी अगर आप कोई और लैंग्वेज जैसे आपका तेलुगु है, संथाली है, कश्मीरी है, उर्दू है, मिजो, मराठी, मणिपुर, बंगाली, डोगरी, ये सारे, कन्नड़ है, ये सारे के सारे भाषा में इन्होंने इतनी भाषाओं को, 18 भाषाओं को इन्होंने इंक्लूड किया है, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। इन्होंने यह बोला है कि ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, खैर, उसके बाद हॉस्टल वार्डन का भी आपका सिमिलर है, ये भी 120 ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपका टीजीटी वाले में जो आपका हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज था वो क्वालिफाइंग किए थे, वो यहां पे कंपलसरी कर दिए, मतलब इसका भी इवेल्युएट होगा, और बाकी आपका जनरल लैंग्वेज, रीजनिंग और ये आपका कॉमन ही हो गया है। यहां पे 2 पॉइंट अलग से आपका वार्डन में पूछा जाएगा, एक है आपको पॉक्सो एक्ट से पूछा जाएगा, जो चिल्ड्रन और सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा जो पीजीटी आप बोल सकते हो प्रिंसिपल वाली जो टॉपिक होती है वहां से होता है, बहुत आसान प्रश्न इसके पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न इसके केवल पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2.5 घंटे का आपका वार्डन का पेपर होगा, और अभी इन्होंने निगेटिव के बारे में कुछ जिक्र किया है क्या, द टेस्ट विल बी इतना 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विद बी टाइम लिमिट फॉर ईच, नहीं है। ठीक है, यहां पे इन्होंने नेगेटिव की बात नहीं किया, नोट करके अगर नीचे लिखे होंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगा, उसके लिए मार्किंग स्कीम दिया है, एक सबके लिए पॉजिटिव है, उम्मीद यही थी, क्योंकि बाकी इन्होंने ईएमआरएस के लिए पॉजिटिव 1 किए हैं और नेगेटिव क्या किए हैं, 0.25 किए हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और पेपर बेस्ड, पेन पेपर बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, ओएमआर सीट बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, इस बात को आप समझते हुए चलिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि एलिजिबल कौन है ना, ये सिलेबस जो है, इनके सिलेबस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, अपेंडिक्स 1 में इसका सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको अलग अलग करके बता दूंगा एक एक वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्या है, किस एज के लिए, तो टीजीटी किसी के लिए भी, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए 35 साल तक का कोई, इसके बाद बाकी जो रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही, कोई ईएमआरएस का एम्प्लॉय है तो उसे 55 साल, अब ईएमआरएस का एम्प्लॉय मतलब कोई एडहॉक पे भी कार्य कर रहा था पहले क्योंकि आउटसोर्सिंग से ही भरे हुए थे, तो वो भी 55 साल तक भर सकता है, और बाकी जो 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, सबके लिए होता है वो तो है ही है। ऐसे सब्जेक्ट क्या है, तो 4-ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी, मतलब कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 साल का, या बैचलर ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए 3 साल का। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम। अगर आपका ऑनर्स है और 3 साल का है तो उसमें 2 साल आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, इस बात को ध्यान देना। जैसे मैथ से हो तो कम से कम 2 साल मैथ्स पढ़ना है, साइंस से हो तो आपको टीजीटी में तो 2 साल साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बस इस हिसाब से समझिएगा। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री। अगर ऑनर्स नहीं है तो आपको 3 साल में, अगर ऑनर्स हो तो केवल 2 साल, अगर ऑनर्स नहीं तो 3 साल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। नोट में इन्होंने दिया है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। टीजीटी हिंदी के लिए क्या होना चाहिए, हिंदी आपका विषय होना चाहिए 3 साल के लिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए भी 3 साल के लिए इंग्लिश विषय होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स के लिए क्या क्या इन्होंने मांगा है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी किए हो, किससे किए हो, फिजिक्स से, मतलब मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स से, या फिर मैथमेटिक्स अलोंग विद फिजिक्स होना चाहिए, और उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक, कुछ भी अगर आप लिए हो, ये बीएससी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आप कर सकते हो। उसके बाद इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज हुज प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशनड अबव इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो लास्ट में एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करना पड़ता है, ऐसे केस में क्या होगा,
द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर, उसमें भी आपको अंतिम साल में मैथ और फिजिक्स पढ़े होना चाहिए, तो आप इसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड द थ्री सब्जेक्ट विजुअली मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, पहले दो साल में मैथ्स और फिजिक्स के साथ बाकी में से कोई एक, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस और स्टैटिस्टिक्स में से, या फिर आप क्या हो कि लास्ट में मैथ्स और फिजिक्स तो पढ़े ही पढ़े हो। और उसके बाद तीसरा बोल रहा है कैंडिडेट हुए पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ, जिनका मैथ्स में ऑनर्स है, वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक इन एनी ऑफ द टू इयर्स ऑफ द कोर्सेस। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ, मतलब अगर मैथ्स से ऑनर्स है तो फिजिक्स आपका तीसरे साल कंपलसरी नहीं है, तब आप दो साल केवल मैथ्स किए होगे, तो बाकी तीसरे साल में कुछ भी लिए हो तो आप क्या हो जाओगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। टीजीटी साइंस के लिए क्या है, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग, तीनों साल पढ़े होना चाहिए। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहां पे फाइनल ईयर में क्या ग्रेजुएशन के कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड दो सब्जेक्ट कोई पढ़ता है आउट ऑफ बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑल द थ्री सब्जेक्ट, तीनों में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों साल होना चाहिए। इसका मैं एक अलग अलग से सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा, तो यह देख लीजिएगा। ज्योग्राफी सोशल साइंस वाले के लिए द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू ऑफ द, इस चार विषय होंगे उसमें से कोई भी आप दो पढ़े हो, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी लिए हो, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस हो, या हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल द थ्री ईयर हो, और इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री ये आपका अलग है, ऐसे ही सबके लिए है। और अलग टीजीटी के लिए पास्ट द सीटीटी, सीटेट बहुत जरूरी है, ये ध्यान देना, और बीएड डिग्री तो होना ही होना चाहिए। नोट दैट बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब क्लास सी दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी आपका टीजीटी म्यूजिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका म्यूजिक में होना चाहिए, इसमें भी 35 साल है। टीजीटी आर्ट के लिए आर्ट में होना चाहिए, और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स, अगर फाइन आर्ट्स में बीएड डिग्री है और आपका ये डिग्री नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो पीईटी है उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और लाइब्रेरियन के लिए क्या है कि आपका डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस का जो किया होगा उसके लिए है, या ग्रेजुएशन विद वन ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, अगर आपका ग्रेजुएशन है और साल का आपने लाइब्रेरी वाला डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो। हॉस्टल वार्डन के लिए इन्होंने क्या किया है, फोर इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी, कोई भी आप चार साल का क्या किए हो, ग्रेजुएशन हो आपके पास हॉस्टल वार्डन के लिए, या बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वार्डन के लिए आप कोई भी जनरल डिग्री वाला, कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है, कोई टेट सीटेट नहीं मांगा है। हॉस्टल वार्डन वाले फिर से सुन लो भैया, केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हो। खुले शब्दों में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बस आपके पास बैचलर डिग्री तीन साल हो या चार साल हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। अब बाकी कहां पे आपका होगा, एग्जाम सेंटर आपके अपने सिटी में होंगे, चूज करने को मिलेगा। फॉर्म की फीस 1500 रुपए है, आज ही से भरना चालू है, अभी भरना आप चालू कर दो। शेड्यूल्ड जो आपका रिलैक्सेशन है, 5 साल एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल कोई 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस किया उसको 5 साल रिलैक्सेशन है, मतलब अप टू 40 साल तक हो सकता है। पर्सन्स ऑर्डरी बाकी जम्मू कश्मीर ये सब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखते हुए चलो, बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे पॉलिसी अलग है, ये अभी पढ़ने को नहीं बताएंगे। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पे बता दूं, क्या पहली बात तो आपको तैयारी कैसे करनी है इसकी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बेल आइकन दबा लीजिएगा, सारे अपडेट मिलेंगे। आप परीक्षा प्लस ऐप भी डाउनलोड कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां पर जुड़ जाओ, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टीचिंग एग्जाम स्पेशल आपका यहाँ पे ये कराया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आपके लिए यहाँ पे है कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, इसकी जो तैयारी है वो कैसे करनी है। तो इसकी तैयारी के लिए बहुत चिंता मत करो, परीक्षा प्लस ऐप से आपको क्या करना है, आपको परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करना है।
यहां पे आपको वार्डन का कोर्स मिलेगा बहुत ही मिनिमम फीस में, यहां पे आपको टीजीटी का भी कोर्स मिलेगा, इसके अतिरिक्त हमारा जीएससी चल रहा है, इसके अतिरिक्त हमारा लैब अटेंडेंट चल रहा है ये, और इवन पीजीटी का भी जो पार्ट 1, 2, 3, 4 है वो भी हमारा चल रहा है। तो पूरा का पूरा ईएमआरएस के लिए डेडिकेटेड एकमात्र संस्था आपकी परीक्षा प्लस, सबसे ज्यादा एडमिशन, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने के दावा करने वाली, आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जुड़ना है। थोड़ा सा बाकी आपको बिल्कुल ये विश्वास मत करो कि अभी मैंने करो तुरंत जाके खरीद लो, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करना है तैयारी, फिर आपको जब समझ में आएगा तब आप खरीदेगा। बट अभी जो बच्चे हैं, अभी ये क्या है इनिशियल में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या मिल रहा है, इस पे सारे बच्चों को छूट इनिशियल में हम लोग छूट देते हैं। तो इतना मैं आपको बता दूं कि जो वार्डन है इसकी जो फीस होगी आपकी 999 प्लस जीएसटी होगी, और साथ में ही आपका जो टीजीटी होगी इसकी 1499 प्लस जीएसटी होगी, ये आप समझते हुए चलिएगा। इनकी फीस तो आपको पता ही है 699 प्लस जीएसटी है, तो इंक्लूडिंग ये आप कर सकते हो, और ईएमआरएस का कोई भी कोर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई भी आपके मन में संशय हो, डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नंबर हमारा नोट कर लो 9450006007 या 7391296970080, ठीक है, इस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर हमारे चल रहे हैं, या फिर आप कमेंट में भी जो भी आपके डाउट्स है वो हमसे पूछ सकते हो, आपके एक एक कमेंट का बहुत पेशेंटली आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी इसकी सारी कड़ियां, कैसे आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, कैसे आपको वार्डन की तैयारी करनी है, सिलेबस आपका क्या है, सब कुछ एक डिटेल वीडियो में बना के मैं जल्दी से लेके आऊंगा। फिर मिलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।